नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल बिसाइड्स द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान में पिछले 2 महीने जून और जुलाई में हुए कुछ रहस्यमय धमाकों के बारे में। यह धमाके वह अकस्मात से हुए हैं या किसी देश की इस धमाकों के पीछे कोई साजिश है, इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। 25 जून को ईरान के पारचिन क्षेत्र में, जो कि ईरान की राजधानी तेहरान से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर एक ऐसा ही रहस्यमय धमाका हमें देखने को मिला था। ईरान की सरकार यह कहती है कि पारचिन में जो धमाका हुआ वह कुछ गैस लीक के कारण हुआ था, लेकिन अगर हम मीडिया सोर्सेस की सुने तो यह धमाका असल में पारचिन में नहीं, परंतु पारचिन के बगल में एक खोजीर नाम की फैसिलिटी है, जो ईरान के सैन्य की फैसिलिटी मानी जाती है, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी खोजीर में वह धमाका हुआ था। अगर हम दूसरे धमाके की बात करें तो वह 2 जुलाई को ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में हुआ था। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी वह ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है, और यहाँ पर ईरान हाई एनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग कर न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, और धमाका भी उसी बिल्डिंग में हुआ जहाँ पर हाई एनरिच्ड यूरेनियम बन रहा है। इस न्यूक्लियर साइट पर धमाके को लेकर ईरान ने अपनी साइट से कोई भी बात दुनिया को नहीं बताई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस हमले के पीछे शायद इज़राइल का हाथ हो सकता है, क्योंकि 11 साल पहले यानी कि 2009 में इज़राइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे ही एक ऑपरेशन को इसी फैसिलिटी में अंजाम दिया था। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स, और इज़राइल ने अपने घर बैठे ही इस न्यूक्लियर फैसिलिटी के कुछ सेंट्रीफ्यूजिस को तबाह कर दिया था। और यह इज़राइल ने कैसे किया? इस ऑपरेशन में इज़राइल की खुफिया सर्विस की एक टुकड़ी यूनिट 8200 ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर एक कंप्यूटर वायरस को डेवलप किया था। इज़राइल की यूनिट 8200 यह सुनिश्चित करती है कि इज़राइल पर कोई देश कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी हमला ना करे, और यदि कंप्यूटर के माध्यम से किसी देश ने इज़राइल पर हमला किया तो उसका प्रतिकार करने के लिए यूनिट 8200 का निर्माण किया गया है। जब इज़राइल ने अमेरिका के साथ मिलकर एक कंप्यूटर वायरस बनाया, तब इज़राइल की यूनिट 8200 ने नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के कंप्यूटर्स में यह वायरस इंजेक्ट कर दिया, और यह कंप्यूटर्स नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के सेंट्रीफ्यूजेस को कंट्रोल करते थे। अब यह सेंट्रीफ्यूजेस क्या है? सेंट्रीफ्यूजेस वे मशीनें हैं जो लो एनरिच्ड यूरेनियम को हाई एनरिच्ड यूरेनियम में ट्रांसफॉर्म करती है। तो जब यह वायरस ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के कंप्यूटर प्रोग्राम्स में पहुंचा, तब इस वायरस ने वहां के सेंट्रीफ्यूजेस को मालफंक्शन कर दिया, और ईरान की इस फैसिलिटी के करीब करीब 10% सेंट्रीफ्यूजेस यानी कि 1000 सेंट्रीफ्यूजेस बर्बाद हो गए। इज़राइल का इस हमले के द्वारा यह लक्ष्य था कि वे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी तरह से रोक सकें, और ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स यह कार्य करने में सफल रहा, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुका तो नहीं, परंतु ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में थोड़ी सी रुकावट आ गई और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ साल पीछे चला गया। और इससे सवाल यह भी होता है कि सिर्फ इज़राइल ही क्यों ऐसे हमले करवाता है?
इसका उत्तर खोजने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। इजराइल और ईरान के बीच हमेशा से रिश्ते ऐसे नहीं रहे हैं। 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद ही इजराइल और ईरान के रिश्ते बिगड़ते गए हैं। ईरान उसके बाद से न्यूक्लियर बम बनाने में लग गया है और इजराइल मध्य पूर्व का एक ऐसा लौता देश है जिसके पास ही न्यूक्लियर पावर है। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल यह नहीं चाहेगा कि उसके अलावा मध्य पूर्व के किसी भी देश के पास न्यूक्लियर क्षमता आ जाए, और इसीलिए 1979 के बाद इजराइल और ईरान एक प्रकार से प्रॉक्सी वॉर में है। दोनों देश इसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे हमले करते रहे हैं। जब सीरिया में युद्ध की स्थिति थी तब इन दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य के ऊपर कई हमले किए हैं। ईरान हिजबुल्ला और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को भी सपोर्ट कर रहा है जो कि इजराइल के कट्टर दुश्मन है। इजराइल के अलावा अमेरिका भी यही चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार ना आए। इसी वजह से जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे तब उन्होंने ईरान से बातचीत कर एक न्यूक्लियर संधि यूरोप के देशों के साथ मिलकर साइन किया था। Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive, long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. 2016 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने तब उन्होंने बराक ओबामा का यह न्यूक्लियर संधि वाला निर्णय उल्टा दिया और अमेरिका इस न्यूक्लियर संधि से बाहर हो गया। इसीलिए 2016 के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शत्रुता बढ़ गई और उसी वजह से ट्रंप ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स, जो कि ईरान की सैन्य है, उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और उनके सुप्रीम कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया। This is where a U.S. military strike took out Qasem Soleimani, the leader of Iran's elite Quds force. इस न्यूक्लियर संधि के टूटने के बाद ईरान अपने तरीके से न्यूक्लियर हथियार बनाने में लग गया और इसी चीज को रोकने के लिए इजराइल ने ऐसे छोटे छोटे हमले करना शुरू कर दिया था, जिसकी झलक हमें ईरान में जून और जुलाई के महीने में देखने को मिली। जब जुलाई 7 को ईरान के बकर शहर की ऑक्सीजन फैक्ट्री में ऐसी ही एक रहस्यमय आग लग गई थी और उसके 2 दिन बाद जुलाई 9 को ईरान के एक मिलिट्री बेस पर ही एक ऐसा धमाका हमें देखने को मिला था। उसके तुरंत 1 दिन बाद ईरान के एक पेट्रोकेमिकल में ऐसी ही एक बड़ी और रहस्यमय आग वहां पर लगी थी और अंत में जुलाई 15 को ईरान के बुशेहर शिपयार्ड में एक बड़ी रहस्यमय आग लगी थी जिसमें 7 जहाजों ने आग पकड़ ली थी और इसका कारण ईरान सरकार अब तक बता नहीं पाई है। तो जाहिर सी बात है कि यह मुद्दा ईरान में चर्चा का एक विषय बन जाता है। और क्या यह दुर्घटनाएं थी या फिर किसी देश की एक सोची समझी साजिश थी? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।